हमारी रसोई की परंपरा में तो मिठाई भी मौसम को देख के बनाई जाती है, जैसे कि लौकी की खीर, आंवले का मुरब्बा और आज हम बनाने जा रहे हैं परमल की मिठाई। जी हाँ, एक सब्जी है। तो आप कहेंगे सब्जी से मिठाई कैसे, तो जब हम बनाएंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि सब्जियों से भी अच्छी मिठाई बन सकती है। तो पुष्पा जी, बनाना शुरू करें इसे। जरूर जरूर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, हमारे पास यहाँ पर परमल। अच्छा, परमल को हमने अच्छी तरह पील करके उसके बाद उसमें स्लिट मार के इस तरह, और उसे 2 से 3 मिनट के लिए उसे गर्म गर्म पानी में एकदम ब्लांच कर लिया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर खोया, शुगर सिरप यानी चाशनी, पिस्ता, अच्छा हाँ। हमारे पास यहाँ पर चांदी का वर्क, सैफ्रन यानी कि केसर, वो खुशबू आ रही है यहीं से, काजू है, बादाम है, इन दोनों को हमने चॉप कर रखा है, और हमारे पास है यहाँ पर इलायची का पाउडर। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। बिल्कुल शुरू कीजिए। तो हमें चाहिए सबसे पहले एक पैन, और इसमें डाल देते हैं खोया। हमारे पास यहाँ पर एक कटोरी खोया है, इसमें करीब 150 ग्राम खोया है ये, और इसको हम थोड़ा भूनेंगे। ये गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी है, और सीजनल वेजिटेबल है। ये जरूरी भी होता है कि जो हम बनाए घर में वो सीजनल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हाँ उसके हिसाब से फिर वो एक तो इजीली मार्केट में मिल जाता है और फिर सस्ता रहता है। इसको एक बोल में डाल के अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, जैसे कि काजू। वैसे ये मिठाई बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन मुझे लग रहा है तो मैं सीख जाऊंगी आज। बिल्कुल। और इतने अच्छे से आप बता रहे हैं कि आसानी लग रही है, कुछ लगता है कि मैं बना सकती हूँ। अरे आप नहीं बनाएंगी तो और कौन बनाएगा। हमने इसमें डाला बादाम और इसमें डाला पिस्ता। तो देखिए हमने इस तरह से इसका मिश्रण बना लिया। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इतना बढ़िया सब चीजें पड़ी इसमें तो परवल के साथ तो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। बिल्कुल। और अब थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें मिल्क पाउडर, करीब 1 चम्मच। जब हम ये मिला रहे हैं तो खोया थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि हम एकदम गरम गरम खोया उसमें भरेंगे नहीं परमल में। अब हम डाल देते हैं इसमें केसर कलर के लिए। अब ये हमारे पास इसका मिक्सचर रेडी है। अच्छा, बिल्कुल स्मूथ कर दिया इसको आपने। हाँ, बिल्कुल हर चीज मिला दी है। बिल्कुल मिला दिया। अब जो परमल है इसके अंदर हम इस स्टफिंग को भरते हैं। ये देखिए परमल हमने भर दिए हैं। अब हमें एक और पैन चाहिए। पैन की फ्लेम ऑन करके इसमें हम डालते हैं चाशनी। चाशनी मतलब कितने क्या तार की बनी? हमारे पास यहाँ पर 2 तार की चाशनी है। अच्छा, लेकिन इसे अभी हम थोड़ा पतला करेंगे। अच्छा, तो आप तो घर में चाशनी बनाती होंगी? हाँ मैं बनाती हूँ, तभी मुझे लगा थोड़ी गाढ़ी है जी। तो कितने तार की है ये? और तार पता चलता है जब आप चाशनी को लेके इस तरह से 2 उंगलियों के बीच करते हैं, और जो ज्यादा थिक होती है उसमें ज्यादा तार आते हैं। देखिए चाशनी भी गर्म हो चुकी है, इसमें बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें ये परमल प्लेस कर देते हैं। और अब इसको अच्छी तरह कोट करेंगे इसको। बिल्कुल, शुगर को चाशनी में अच्छी तरह इसे कोट करेंगे, इसके ऊपर की तरह डाल देते हैं। और आप चाहें तो इसे थोड़ी देर चीनी में ही रहने दें, जिससे अच्छी तरह अंदर चला जाए। अंदर तक चला जाए। इसकी फ्लेम अभी ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर से ऐसे रहने देते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अरे बहुत अच्छी, मैं इसको घर जाके बिल्कुल ट्राई करूंगी। तो थैंक यू पुष्पा जी, आप हमारे शो पर आई और हमें अंबिका की रसाज बनाना आपने सिखाया। अंबिका की रसाज। तो हम भी जरूर ट्राई करेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ज्यादा बनाइएगा लेकिन ज्यादा, ये जरूर मैं बात ध्यान रखूंगा। तो थैंक्स वंस अगेन। तो चलिए हमने तो यहाँ बना दी परमल की मिठाई, आपका क्या कहना है? आप भी इसे आज शाम को ही अपने घर में बना डालिए। परवल की मिठाई बनाने के लिए आपको चाहिए खोया 150 ग्राम, काजू 2 छोटे चम्मच, बादाम 2 छोटे चम्मच, पिस्ता 2 छोटे चम्मच, पिसी इलायची आधा छोटा चम्मच, मिल्क पाउडर 1 बड़ा चम्मच, केसर आधा छोटा चम्मच, उबले परवल 6 से 7, चाशनी आधा कटोरी। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक पैन में खोया भूने, एक बर्तन में भुना खोया, काजू, बादाम, पिस्ता और पिसी इलायची मिलाएं। इसके बाद मिल्क पाउडर और केसर मिलाकर इसे परवल में भरें। एक पैन में चाशनी और पानी मिलाकर गर्म करें। आखिर में परवल को इस चाशनी में उबालें। तैयार है परवल की मिठाई।